चीन द्वारा किए गए कायराना हमले का निषेध संपूर्ण देश में व्यक्त किया जा रहा है और वही शहर में सांसद बाड़ू धानोरकर की मौजूदगी में कांग्रेस की ओर से निषेध व्यक्त करते हुए चीन का कड़ा जवाब देने की बात कही। तो आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। चीन द्वारा किए गए शर्मनाक हमले का इस समय हर तरफ निषेध व्यक्त किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से भी आज गांधी चौक में इस शर्मनाक घटना के लिए चीन का कड़ा निषेध व्यक्त किया गया है। इस मौके पर सांसद बाड़ू धानोरकर के साथ कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय, नगर सेवक नंदू नागरकर, नगर सेविका सुनीता लोडिया, मनपा के पूर्व सभापति रामू तिवारी के साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस घटना के लिए चीन का कड़ा विरोध किया। साथ ही इस मौके पर सांसद बाड़ू धानोरकर ने अपने मनोगत में कहा कि भारत ने इस घटना के लिए चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए। देशांतर्गत असलेल्या गलवान घाटी मध्ये चीनी सैनिकांकडून भारतीय सैनिकावरती मोठा हल्ला, आत्मघाती हल्ला झाला। यात भारताचे 20 वीर सैनिक हुतात्मा प्राप्त झाले। हा एक भ्याड हल्ला होता। अशा पद्धतीचे हल्ले हे भारत देश कधीच खपवून घेणार नाही आणि ज्याला सवेत व जवाब दिल्याशिवाय राहणार नाही। आज ज्या पद्धतीने एकीकडे भाजप सरकार म्हणते की एखादी गोष्ट एखाद्या वेळेस चीनचा सैनिक जर मेल्या गेलास तर ते उदोदो करतात, परंतु आज या सर्व हल्ल्याची जबाबदारी भाजपा सरकारनी, आदरणीय पंतप्रधानांनी, मोदीजींनी हे घेणं फार महत्त्वाचं आहे। आणि या भ्याड हल्ल्याचा काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण भारत देशातून या चंद्रपूर जिल्ह्यातून आम्ही निषेध करतो। वही कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के निमित्त आज नागरिकों को मास्क का भी वितरण किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों ने लिया।